कह रहे बच्चे, चलिए आइए हम लोग फिर से नाइन्थ क्लास सीबीएसई की मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर और रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे, आज प्यारे बच्चों चलिए हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो रेशनल नंबर रहता है, कोई दो रेशनल नंबर रहता है तो उसके बीच में मैनी मैनी जो रेशनल नंबर होते हैं उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले बच्चों आज जो कि लाइट की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो घेरा लगाया हुआ है, यहाँ पे टॉर्च जलाए हुए हैं और वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो चमक है उसको घेर दिए हैं। यहाँ पे आपको जो लिखेंगे नहीं दिखेगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट करके चलना है। चलिए तो आइए हम लोग क्लास नाइन्थ क्लास की सीबीएसई मैथ्स पढ़ते हैं, सीबीएसई वाले बच्चे। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। पहले बच्चे हम लोग पढ़े थे कि जिस फ्रैक्शन को p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। हालांकि वहां पे एक कंडीशन होता है कि q डज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े। इरेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जिसे किस रूप में लिखा जाता है, तो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं। आज हम लोग एक बात करने वाले हैं कि अगर मान लिया कि कोई दो रेशनल नंबर रहे, आपको पता है कि चार भी एक तरीके का रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि चार बटा एक लिख सकते हैं। तो नोट में कुछ ऐसा बात हम लोग लिखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच अनंत रेशनल नंबर हो सकती है, तो नोट में एरो देकर लिखेंगे। नोट में जो जहां तक कि पिछले क्लास में पढ़े थे उसके आगे नोट में लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइटली का स्पेलिंग इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर पहले बच्चे हम लोग नोट में बहुत बढ़िया बात पढ़े हैं, लिखे हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कि मान लिया कि दो बटा चार भी एक रेशनल नंबर है, प्यारे बच्चों बिल्कुल है, और आठ बटा तीन भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर इसके बीच हमें रेशनल नंबर पूछेगा कि कितना हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि इनफाइनाइट हो सकता है, अनंत हो सकता है, अनगिनत हो सकता है। यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारी रेशनल नंबर हो सकती है। अब अक्सर सवाल पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कोई दो रेशनल नंबर देगा और आपको बोलेगा कि इन दोनों के बीच दो रेशनल नंबर ज्ञात करो, चार रेशनल नंबर ज्ञात करो, आठ रेशनल नंबर ज्ञात करो, कितना भी रेशनल नंबर ज्ञात करने के लिए बोल सकता है। प्यारे बच्चों ये अक्सर पूछा जाता है, मतलब वीवीआई क्वेश्चन है कि कोई भी दो रेशनल नंबर देगा और हमसे पूछेगा कि ये दोनों रेशनल नंबर के बीच पांच रेशनल नंबर बताइए, छह रेशनल नंबर बताइए, आठ रेशनल नंबर बताइए, कितना भी रेशनल नंबर आपसे पूछ सकता है। अब उसको ज्ञात करने के लिए आखिर रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। अगर आपको लगता होगा कि सर एक भी तो रेशनल नंबर है, हाँ वो है, क्यों? क्योंकि इसको एक बटा एक लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। दो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसको भी दो बटा एक लिख सकते हैं। अब जरा बात कीजिए कि एक भी रेशनल है और दो भी रेशनल है, अब इसके बीच में कई गो रेशनल है, तो इनफाइनाइट अनंत। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक और दो के बीच में अनंत रेशनल है, तो जी हाँ बिल्कुल अनंत रेशनल नंबर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1.5 ये भी एक रेशनल नंबर है, प्यारे बच्चों, क्यों? क्योंकि 1.5 को हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कहां आएगा, 10 आएगा, तो ये भी 1.5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको p बटा q के तो रूप में लिख सकते हैं, जहां q जीरो नहीं होना चाहिए, तो
तो यहाँ जीरो नहीं है, दस है, तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 1.5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अच्छा 2 के बारे में, तो 2 एकदम रेशनल है, तो फिर 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब 1.5 और 2 के बीच में प्यारे बच्चों फिर से रेशनल नंबर जो होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। समझ में आ रहा बात? चलिए तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं अपने तरीके से और फिर देखते हैं कि उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसको हम लोग निकालने का तरीका क्या सीखते हैं। चलिए तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से आप समझिएगा कि इसको बनाते कैसे हैं। पहले बच्चों अगर एग्जांपल के तौर पे हम ये क्वेश्चन दे, ए क्वेश्चन फाइंड द फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। सवाल इज एंड, सवाल समाप्त हो गया। सवाल क्या बोल रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर आपको निकालना है। प्यारे बच्चे 5 ही नहीं दे सकता है, कितना भी दे सकता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि कोई भी 2 नंबर के बीच में, कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में हमेशा अनंत रेशनल नंबर होती है। कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में कितनी रेशनल हो सकती है, अनंत हो सकती है, इनफिनिट हो सकती है। तो हम 5 भी सवाल में दे सकता है, 6 भी सवाल में दे सकता है, 8 भी सवाल में दे सकता है, उसको जितना सवाल बोलने का मन होगा उतना सवाल आपसे पूछ सकता है। हमसे सवाल बोल रहे कि 1 और 2 के बीच में कितना रेशनल नंबर हो सकता है। अब ऐसे सवालों को प्यारे बच्चों निकालने के लिए, ऐसे सवालों को निकालने के लिए आपको जो सॉल्यूशन करना है उसके लिए 2 तरीका हम आज बताने वाले हैं। कितने तरीके? 2 तरीके। प्यारे बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मैथ कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, मैथ कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा इसका पहला तरीका क्या होगा, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड। तो अभी हम लोग आ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं मेथड नंबर 1। M1 का मतलब होता है पहला मेथड। प्यारे बच्चों आप ये समझिए कि कितना कितना के बीच हमको निकालना है, तो 1 and 2 के बीच। कै गो निकालना है प्यारे बच्चों? 5 गो निकालना है, 5 गो निकालना है। तो पहले जिसके जिसके बीच है उसको लिख लीजिए कि यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, ठीक है। यानी कि जिसके जिसके भी बीच में निकालना होगा, अगर 4 और 8 के बीच में रहता तो एक तरफ 4 लिखते, लाइन के लाइन में वो पारते, एक तरफ 4 लिखते, एक तरफ 8 लिखते। यहां 1 2 है, यहां 1 और 2 लिख दिए। अब आपको करना है क्या, 5 रेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर। प्यारे बच्चों आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये चूंकि टॉर्च जल रहा है तो उसका फॉक्स है लाइट का, तो इसलिए इसको नेगलेक्ट करके चलना है। यहां पे हम कुछ नहीं लिखेंगे ताकि यहां पे ऐसे चीज लिखे जो आपको दिखेगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, इसलिए इतना को ढक के हम चल रहे। फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे निकालते प्यारे बच्चों? पहला जो रेशनल नंबर निकलेगा, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1 और 2 को ऐड कर दिया। समझिए कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो 1 और 2 को ऐड कर दिए तो कितना बच गया, 3। और अपने तरफ से 2 से भाग कर रहा है, ये जो 2 से भाग करना है प्यारे बच्चों वो हमेशा करना है, ठीक है, समझ रहे हैं बात। यानी कि जब भी फर्स्ट रेशनल नंबर निकालेंगे तो किनारे किनारे वाला को जोड़ के जितना आएगा अपने तरफ से क्या करना है, 2 से भाग करना है। कोई बोलेगा कि सर 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी यहां भाग कर सकते हैं, नहीं, कुछ भी सवाल रहे, सवाल यहां यहां कुछ भी रहे,
हमेशा जोड़ रहा है पहला रेशनल नंबर ज्ञात करने के लिए, आपको लास्ट फर्स्ट को जोड़ के हमेशा दो से ही भाग रहे करना है, चाहे कोई सवाल काहे नहीं रहे, यहाँ दो रहे, चार रहे, पांच रहे, आठ रहे, ग्यारह रहे, तेरह रहे, हमेशा कितने से भाग करना है, दो से। अब जो पहला वाला निकल गया तो एक और दो के बीच में आप देख पा रहे होंगे कि इसका मान आ गया 3/2, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब चलिए निकालते हैं सेकेंड रेशनल नंबर। प्यारे बच्चों, अब हमको तो टोटल पांच गो निकालना है जिसमें से एक गो निकल गया आंसर, अभी हमको आउट चार गो घट रहा है। तो जब चार गो घट रहा है तो सबसे पहले हम क्या किए, तो एक और दो के बीच निकाले, अब हम क्या करेंगे, एक और 3/2 के बीच में निकालेंगे। तो जब एक और 3/2 के बीच में निकालेंगे तो मेरा यहां आएगा, और यहां जब आएगा तो वो भी तो एक और दो के बीच में ना होगा, यानी कि जब सेकेंड रेशनल नंबर निकालना है तो आप ये कर सकते हैं कि पहले एक और 3/2 के बीच में निकाल लीजिए, या फिर 3/2 और दो के बीच में निकालिए, यहां ये इसके बीच में तो यहां हुआ, जब यहां निकालिएगा तो फाइनल तो सवाल ही ना बोल रहा था कि एक और दो के बीच में निकालिए, तो हम 3/2 चाहे दो के बीच में निकाले या फिर एक और 3/2 के बीच में निकाले, तो इसके इसके बीच में अगर कोई मान निकाल लेंगे तो यहां आएगा, तो यहां जब आएगा तो एक और दो के बीच में ना आएगा, समझिए बात को। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रेशनल नंबर निकालने के लिए अब इसके और इसके बीच में निकालने का प्रयास करेंगे, तो अब जिसके जिसके बीच में निकालेंगे तो वो मेरा जो आंसर आएगा तो वो भी तो एक और दो के बीच में ही आंसर आएगा, यानी कि आपको क्या करना है सेकेंड रेशनल नंबर निकालने के लिए इसके और इसके बीच में निकालना है, तो यहां एक है और यहां 3/2 है, तो 1+3/2, और एक को तो हम 1/1 लिख सकते हैं, इसको जोड़ लीजिए प्यारे बच्चों कितना होगा, 2, एलसीएम होगा, यहां 2+3 कितना हो गया, 5/2। और प्यारे बच्चे हम क्या बोल रहे हैं, जोड़ने के बाद ना आया 5/2, और हम क्या बोल रहे हैं कि अपने तरफ से 2 से भाग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 से तो भाग अपनी तरफ से कर रहे हैं, यहां तो जोड़ने के बाद ना 5/2 आया, हम अपने तरफ से 2 से भाग करेंगे तो नीचे वाला तो नीचे आ जाता है, पता है ना, तो 2 जैसे ही नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 5/4, समझ रहे हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, हम लोग थर्ड रेशनल नंबर निकालते हैं, थर्ड रेशनल। तीसरा रेशनल निकालने के लिए आप बताइए कि इसके और इसके बीच में कितना आया, तो उसको लिखते चलिए ताकि हमको पता चले, तो इसके और इसके बीच में निकाले ना, क्योंकि 1 को जोड़े हैं और 3/2 के बीच में कितना आया, 5/4। चलिए थर्ड रेशनल वाला निकालते हैं, तो थर्ड रेशनल आप देखिए इसमें जो है ना कोई ऐसा नहीं है कि कुछ रूल है कि हम इसी को लेंगे, आप किसी को भी लीजिए, किसी को बीच में लीजिए, हम थर्ड रेशनल निकालने के लिए 3/2 और 2 ले लेते हैं, इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, या तो 5/4 और 3/2 के भी बीच में निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में इसलिए निकाल रहे हैं ताकि फाइनल तो 1 और 2 के बीच में हो आएगा। बीच का मतलब क्या बच्चों, ऐसा नहीं समझ रहा है, बीच का मतलब बीचों बीच नहीं, बीच का मतलब उसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे होंगे थर्ड रेशनल नंबर निकालना है तो हम 3/2 और 2 के बीच में हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, तो 3/2 + 2, तो 2 को 2/1 लिख लेंगे। अब इसको फाइनल अच्छे से जोड़ लीजिए, तब हम बाद में 2 से भाग करने का प्रोसेस करेंगे, 2 1 का एलसीएम 2, अब यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 4, समझ रहे ना। अच्छा तो यहां कितना बन जाएगा, 7/2, और हम क्या बोलते हैं कि जितना जोड़ के आएगा प्यारे बच्चों उसमें हमको 2 से भागा करना है, तो जैसे 2 से भागा करेंगे तो ऊपर वाला का जो नीचे रहता है वो कहां आ जाता है, नीचे, तो 2 जैसे ही नीचे आएगा तो 2 दूना 4, तो 7/4, यानी कि इसके और इसके बीच में जब हम निकाल रहे हैं प्यारे बच्चे तो कितना आ रहा है, 7/4। आप सवाल को बढ़िया से देखिए, हमको सवाल कितना बोल रहा था निकालने के लिए,
पांच रेशनल नंबर ना हम अभी तक के कितना निकाले, प्यारे बच्चे तीन निकला है, अभी भी हमको और घट रहा है दूठो, समझिए तीन निकल गया, तीन बटा दो, पांच बटा चार, सात बटा चार, अभी और हमको दूठो घट रहा है। तो हम प्यारे बच्चों यहां पे कुछ मिटाने वाले हैं, ठीक है, या फिर ऊपर से मिटाते हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन को फिर सेकेंड मेथड से सॉल्व करना ही है। थर्ड हो गया, चलिए अब हम लोग फोर्थ निकालते हैं, फोर्थ रेशनल नंबर, फोर्थ रेशनल नंबर। अब फोर्थ रेशनल नंबर निकालने के लिए अब जरा ध्यान दीजिएगा कि चौथा रेशनल नंबर निकालने के लिए आप किसी को भी बीच में ले सकते हैं, एक और पांच बटा चार भी ले सकते हैं, पांच बटा चार थ्री बटा टू भी लिख सकते हैं, इसके बीच क्या आएगा, पांच बटा चार और तीन बटा दो कि इसके बीच भी ले आएगा तो हम लोग ले सकते हैं, इसके और इसके बीच वाला भी ले सकते हैं। तो आपको जो इच्छा है, हमको इच्छा है थ्री बटा टू और सेवन बाई फोर लेने का, यानी कि कोई भी दो लगातार ले लेना है, तो यहां थ्री बाई टू प्लस सेवन बाई फोर, इसको आराम से पहले जोड़ लीजिए, तो दो और चार का एलसीएम कितना, चार, तो दो दूनी के, तो यहां तीन दूना छ और यहां हो जाएगा सात, सात छ तेरह बटे में चार। प्यारे बच्चों तेरह बटे चार तो ये जोड़ के ना आया, और हमको करना कुछ ही है, अपने तरफ से दो से भाग कर रहे हैं सब में लास्ट में जोड़ने के बाद, और ऊपर में जब जैसे बटा में रहता है तो नीचे वाला कहाँ आ जाता है, ये तेरह बटा चार जो है नीचे आ जाएगा, तो ऊपर तो तेरह रहेगा और चार दूना का आठ, तो ये हो गया चौथा। यानी कि प्यारे बच्चों थ्री बटा टू और सेवन बाई फोर के बीच में कितना आ गया, इसको जरा नीचे लिख देते हैं, तेरह बटा आठ। अभी तक क्या आप देखिए तो एक और दो के बीच में एक दो तीन चार रेशनल नंबर आया है। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ रेशनल नंबर, फिफ्थ रेशनल नंबर, ठीक है। अब पांचवा रेशनल नंबर आपकी जो इच्छा है, अब आपको लगता है कि तेरह बटा आठ और सात बटा चार ले लें, यानी कि दो लगातार लेना है, तीन बटा दो और तेरह बटा आठ ले सकते हैं, पांच बटा चार और तीन बटा दो ले सकते हैं, एक और पांच बटा चार ले सकते हैं। हाँ याद रहे जो एक बार ले लिए हैं, जैसे अब तो लगातार लेना है ना, और जो एक बार ले लिए हैं, एक तीन बटा टू नहीं लेना है क्योंकि एक और तीन बटा टू हम पहले ले चुके हैं, और लगातार का मतलब समझ रहे, लगातार ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, जो कुछ भी लगातार आ रहा है आप उसको ले लीजिए। हम यहां लेते हैं पांच बटा चार और तीन बटा दो, हम इसको लेते हैं, तो चार और दो का एलसीएम प्यारे बच्चों आठ, सॉरी चार, अब चार से एक बार में कटेगा तो पांच, और दो से दो बार में कटेगा तो दूना का चार, यहां हो जाएगा ग्यारह बटा चार। प्यारे बच्चों हम क्या बोल रहे हैं कि जोड़ने के बाद अपने तरफ से दो से डिवाइड करना है, और फिर डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला, अगर ऊपर में कुछ बटा रहेगा तो नीचे वाला कहां जाता है, नीचे, यानी ग्यारह बटा आठ। इस तरीके से हम लोग इसके बीच में कितना आया, इसके बीच में आया ग्यारह बटा आठ। प्यारे बच्चों ये कभी खत्म नहीं होगा, हमको अगर सात आठ भी बोलता तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग को और बहुत सारा अभी निकल सकता है, इसके इसके बीच का, इसके इसके बीच का, फिर जो आएगा फिर उसके बीच का। इससे आपको अंदाजा लग गया प्यारे बच्चों कि बहुत सारी रेशनल नंबर हो सकती है दो लगातार या फिर दो रेशनल नंबर के बीच। अच्छा अब आपको एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, वो ये है कि सवाल में अक्सर जो आएगा ना वो आपको बुक के आंसर से शायद मैच नहीं करेगा, बुक का जो आंसर आता है उस आंसर से शायद आपका जो है आंसर मैच नहीं करेगा, तो इससे प्रॉब्लम नहीं मिला है क्योंकि इसके बीच में हो सकता है बुक जो है एक और पांच बटा चार लिया है और आप पांच बटा चार और तीन बटा दो करके निकाले, समझ रहे ना बात। इसलिए आपको क्या काम करना है, जो भी क्वेश्चन हम देंगे कोई मेथड से, ये भी मेथड नंबर वन हुआ, अब हम इसी सवाल को सॉल्यूशन करते हैं मेथड नंबर टू से। मेरा कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि आप कुछ भी क्वेश्चन रहेगा इस वाले चैप्टर में रेशनल नंबर ज्ञात करने वाले में, आप किताब के आंसर पे
मैच नहीं करने का प्रयास करें, अपने तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें जो आंसर देता है वो हो सकता है कि आप जो है किसी किसी को ले लिया होगा, हम किसी और दुगो के ले लिए होंगे, क्योंकि इसमें रिस्ट्रक्शन नहीं है। हालांकि दो को लगातार कोई लेना है, जैसे हम यहाँ 5/4 और 3/2 करके निकाले, हम चाहते तो 7/4 और 2 करके भी निकाल सकते थे, तो अब वो मेरा आंसर आता, वो भी सही होता। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपने आंसर पे भरोसा कीजिए। तो अभी हम लोग का जो आंसर आया नंबर वो क्या क्या आया 5 को, तो पहला आया 3/2, 5/4, 7/4, 13/8, 11/8 और भी होगा प्यारे बच्चों ETC। ठीक है, चलिए तो अब इसी क्वेश्चन को, ये तो क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका दिखा, अब इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, सेकेंड मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। अब वो मेथड ना प्यारे बच्चों बहुत इजी है, और उस मेथड से किसी भी रेशनल नंबर को आप जल्दी से जल्दी चुटकी में आंसर कर सकते हैं। अब ऐसा हम ट्रिक बताने वाले हैं, और ये बहुत आसान मेथड है। ठीक है, यानी कि मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, दो गो मेथड बताने वाले हैं। पहला मेथड तो कंप्लीट हो गया, अब वही क्वेश्चन रहेगा, अब उसको आंसर करने के लिए हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। सवाल वही था, अब हम लोग मेथड चेंज करते हैं, मेथड नंबर 2। जैसा कि सवाल आप लिखे ही होंगे, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, एक और दो के बीच में हमें रेशनल नंबर 5 को ज्ञात करना है। जैसा कि हमको पता है हम लोग कितना भी ज्ञात कर सकते हैं, तो चलिए अब जितना सवाल रहेगा, देखिए सवाल क्या बोला कि एक और दो के बीच में, यहां लिखिए एक, यहां लिखिए दो, और इसके बीच में प्यारे बच्चों कितना सवाल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, इसके बीच में 5 गो रेशनल नंबर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। कि एक और दो के बीच में कै गो निकालिए आप रेशनल, 5। तो आपको क्या करना होगा, जितना नंबर निकालना होगा उसको मानना होगा डिनोमिनेटर, जानते हैं ना डिनोमिनेटर, कि अगर कोई फ्रैक्शन रहता है तो उस फ्रैक्शन में ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, जितना नंबर निकालना रहेगा, यहां कितना नंबर निकालना, एक और दो के बीच में 5 गो, अगर हम बोलते कि एक और दो गो के बीच में 8 गो निकालो, तो यहां बीच में 8 लिखते, तो यहां पे तो 5 गो निकालना है, तो 5, और प्यारे बच्चों जितना निकालना रहता है हम अपने तरफ से 1 जोड़ देते हैं, ये रूल में यही है। तो हम 5 और 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 6। इसके बाद क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर आ गया 6, उसको फिर नंबर लाइन उतारना है, नंबर लाइन उतार दिया। अब यहां और यहां दो जो छोर है उसके डिनोमिनेटर में रख दीजिए 6, यानी कि यहां पर रख दीजिए 6 और यहां पर रख दीजिए 6। क्यों, कि डिनोमिनेटर का मतलब होता है किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी फ्रैक्शन का प्यारे बच्चों P/Q, यानी इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर हम बोलते हैं कि 2/3 है, तो न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 3 है। तो उसी तरीके से प्यारे बच्चे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में कितना आया 6, तो यहाँ वाला जो छोर है एक छोर पे 1 है और दूसरे छोर पे 2 है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में हमें रेशनल नंबर 5 को निकालना है। तो अब इसको भी 6/2 लिख दिया, इसको भी 6/2 लिख दिया। अब जितना मेरा डिनोमिनेटर आया है उसको 6 को 1 से गुना कीजिए, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जा 6, तो यहां हो जाएगा 6/6। अब लास्ट छोर पे क्या है 2 है, तो अब इसी 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराइए, तो 6 2 जा कितना हुआ 12, तो यहां पे भी एक फ्रैक्शन आ जाएगा, यहां पे भी फ्रैक्शन आ जाएगा। अब इतना चीज करने के बाद प्यारे बच्चे आपको सबका सब रेशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर बराबर 6 और 12 के बीच में 7 भी तो आता है, 7/6 लिख देंगे। सेकेंड रेशनल नंबर यहां क्या लिख देंगे 8/6, फिर थर्ड रेशनल नंबर 9/6, फिर हो जाएगा फोर्थ रेशनल नंबर 10/6, फिफ्थ रेशनल नंबर 11/6। तो ये 5 जो हुआ वो मेरा क्या हुआ, 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर हो गया।
तो अब आप देख पा रहे होंगे कि मेथड नंबर वन से जो बनाए थे और मेथड नंबर टू से जो बना रहे आंसर मैच नहीं कर रहे। तो प्यारे बच्चों हम पहले भी बोल चुके हैं कि बुक का जो आंसर होगा और आपका जो आंसर आएगा वो मैच नहीं करेगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से, ये मेथड होता है। क्योंकि सवाल तो यही हुआ ना, आपका बुक का भी सही आंसर है, ऐसा नहीं बोल रहे कि बुक का आंसर गलत है और आपका आंसर सही है या फिर आपका गलत है बुक का सही है, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर मैच नहीं करेगा बशर्ते आपका भी सही होगा और बुक का भी सही होगा, बट ईमानदारी से सावधानी पूर्वक इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तब। तो अक्सर ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, जितना डिनोमिनेटर बोलेगा सॉरी जितना गो निकालना रहेगा उसमें से एक जोड़ दीजिए तो डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब दोनों छोर पे अगर यहाँ पे आठ आता डिनोमिनेटर तो बटा आठ रखते हैं। अब इसको इस छोर से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देते हैं और इसको यहां लिख देते हैं। अब उसके बीच में जैसे छ और बारह के बीच में पांच को, तो सात से शुरू करेंगे, सात बटा छ, आठ बटा छ, नौ बटा छ, दस बटा छ, ग्यारह बटा छ, इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग का ये सॉल्यूशन हो जाता। ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है कि आपको अगर रहता तीन और चार के बीच में आठ निकालने के लिए तो आठ में एक जोड़ते तो यहां पे हो जाता नौ, यानी कि जिसके जिसके बीच बोलेगा प्यारे बच्चों हम लोग वैसा ही वैसा करेंगे। अब हम तो यहाँ पे सिखाए दो मेथड, आपको दोनों मेथड में जो इजी लगे उसको आप अपनाइए, उससे आप बनाइए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं होमवर्क्स के तौर पे, और इस तरीके से हम लोग का जो अभी 1.1 एक्सरसाइज है वो अगले दिन में हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग सीखे हैं कि रेशनल नंबर के बीच में कितना भी रेशनल नंबर होता है अनंत होता है, अब उसको कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए अब होमवर्क्स में कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम बोल देते हैं, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फाइंड द थ्री रेशनल नंबर, पहला क्वेश्चन है फाइंड द थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, 5 and 6। अगला क्वेश्चन, फाइंड द 8 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड द 8 रेशनल नंबर बिटवीन 10 and 11, 10 and 11। फिर अगला लिखेंगे तीसरा सवाल, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। तो प्यारे बच्चों यहां पे हम लोग तीन सवाल दिए हुए हैं और इस तीन क्वेश्चन को आपको जो मेथड से है, या तो मेथड वन से पसंद है तो सिर्फ मेथड वन बताइए बनाइए, मेथड टू से पसंद है मेथड टू बनाइए, या फिर दोनों ही मेथड से बनाए तो और अच्छा है, आपके स्किल को डेवलप होगा, आपको सोचने समझने का शक्ति बढ़ेगा। तो आपको जो मेथड आसान लगता है आप प्लीज उससे बनाइए और इस ग्रुप में सेंड कीजिए, हम उसको चेक करेंगे ताकि हमको ये पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। तो इसको जरूर से जरूर बनाइए और फिर उसको आंसर लाइए, और फिर हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, धन्यवाद।